सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ शाम को, और ये वीडियो बेसिकली अभी हम लोग वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं। और वॉलीबॉल खेलते खेलते तो आज हम खेलने जा रहे हैं वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल खेलते हैं और मैच मूच लगाएंगे। अभी वो सारा मैच आप देखना है इस वीडियो के थ्रू, और शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी है। वॉलीबॉल पर वॉलीबॉल खेलेंगे हम लोग अभी जस्ट। तो अभी चलते हैं गाइस, वॉलीबॉल खेलते हैं फटाफट। तो चलो पहले एक मैच लगाते हैं थोड़ा सा और खेलते हैं। छोड़ो, कौन सा वाला नज़दीक आऊँ, कौन सा शॉट लेना? घुमाऊंगा ऊपर से, लाना है नीचे आएगा। ठीक है। Baby, ओ भाई जोड़ भाई, हैकर हैकर बोलते गाइस। वॉलीबॉल खेलने के लिए सबसे पहले आपके पास वॉलीबॉल होना चाहिए। और पहला पहला मैं वो देना चाहूँगा, वो क्या कहते हैं उसे, राय, राय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सुजेशन। पहला सुजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि आप जो वॉलीबॉल लें थोड़ा महंगा लें और थोड़ा बढ़िया कंपनी का लें। जैसे एक निविया कंपनी का आता है वॉलीबॉल, काफ़ी मस्त होता है, और आप वही थोड़ा महंगा लेना, क्योंकि हमने सस्ता लेके गलती कर दी। सस्ता नहीं भाई, महंगा है, ये भी सस्ता, बट उसके मतलब कंपेरिजन में जो महंगे आते हैं, उससे कि सस्ता थोड़ा मत लेना, थोड़ा क्वालिटी चेक करके लेना। मेरे को पहली बार वॉलीबॉल लेना था तो मुझे पता नहीं था, मैं 400 का लेके आया था वॉलीबॉल, 500 का वॉलीबॉल लेके आया था। और ये वॉलीबॉल गैस थोड़ा बेकार पड़ गया, और सही क्वालिटी पता नहीं होता है मेरे को, कि पहली बार लेने गया था तो पता नहीं था कि क्या क्या होता है, तो ऐसा बेकार से ले आया भाई, हर जगह से फट चुका है, मतलब फट गया ऐसे, जो लेदर थी वो हट गई है, रबड़ लेदर क्या कहेंगे जो इसके ऊपर होती है वो हट चुकी है, और काफ़ी जगह से अंदर का गुब्बारा बाहर आ गया। बट हम जुगाड़ पे चला रहे हैं, आज इसका आखिरी दिन भी हो सकता है, आखिरी मैच भी होगा हमारा, क्योंकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट ही वीडियो, इसके बाद तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये हर जगह से पंचर हो चुका है और ख़राब हो गया भाई। ये तार कहाँ से आ गई? आर यू रेडी? तो चलिए गाइस खेलते हैं फटाफट से। कितने का, 5 का लगाते हैं, 5-5 पॉइंट्स का। मैं कब हो गया ये? कब हुआ, कब? हाँ तो गाइस टिप्स देने वाले थे सर, टिप्स दो ना थोड़ा, बोली बोल के इसका मास्टर स्टेप है ये गाइस।
समझ गए ना गाइस? ओके, वॉलीबॉल की टिप्स क्या ही दूँ, मुझे खुद को खेलना नहीं आता है। अभी हार गए हैं, एक और मैच रिकॉर्ड करते हैं। इस मैच में देखते हैं, दो मैच रिकॉर्ड किया, अभी पहला मैच था, अभी दूसरा मैच रिकॉर्ड करते हैं। और गाइस मैं थोड़ा गेम का रूल बता देता हूँ। जो लाइन है ये सारी बाहर है, वो जो वहाँ पे एक तार लगी है वो बाहर है, ये जो ये तार लगी है वो काली सी दिख रही होगी थोड़ी सी, ये बाहर है। और वहाँ से जो कूलर के ये पूरा एरिया है सब बाहर है। बाहर इसलिए है क्योंकि हम थोड़े छोटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान नहीं है, छत पे खेल रहे हैं, तो बाहर जाने का ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा हमने ऐसे इसको बाहर ही कर दिया। और बाहर का कोई पॉइंट नहीं, नेट हमारा है नहीं, तो नेट का भी कोई पॉइंट क्या रखे हम। और नेट हमारा ये है गत्ता। चलो शुरू। यही बता रहा था कि क्या होता है, जैसे अभी ये बाहर चली गई बॉल गली में, और ऊपर से जाके नीचे लगने पे काफी ज्यादा बॉल को डैमेज होता है। क्या दिख गया, क्या दिख गया ब्रो, क्या दिख गया? तो गाइस ऐसा ही होता है, जैसे वॉलीबॉल खेलना आता है, अपनी नाक से खेलता है ऐसे उड़ा उड़ा के भाई। अभी तो ये खेल नहीं रहा है, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो इसका मूड भी नहीं बनेगा ऐसे खेलने। तो ऐसे ही होता है, मैं बता रहा था कि बाहर चली जाती है बॉल, इसीलिए हमने ऐसा बॉर्डर रखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए प्रेफर है ग्राउंड में खेलो, हम तो छत पे खेलते। चलो चलो तो आप मैच जीते हो, थोड़े टिप्स दे दो हमें। टिप्स? हाँ जी। नेवर अंडरएस्टिमेट योर एनिमी, मतलब सामने वाला बंदा। और गाइस अगर आप वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो और इंस्पायर होना चाहते हो, तो कौन सा एनिमे देखे हैं? हाईक्यू। हाईक्यू जरूर देखे गाइस, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन मिलती है गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलती है हमको।